बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हाईवे रोड पे अगर आप घर बना रहे हैं तो कितना हाइट पे आपको बनाना चाहिए घर, वो बताता हूं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन रहेगा उसको क्लिक करेंगे तो न्यू वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो शुरू से अंत तक आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ये जो है हैवी रोड है, यहाँ पर आप देखेंगे हैवी रोड है, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर 100 फीट की रोड है, यहाँ पर डिवाइडर भी है, यहाँ पर आप देख लीजिए रोड इस तरह से। यहाँ पर हाईवे रोड है ये, ओके। बनी रही इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो हाईवे रोड पे कितनी हाइट पे घर बनाना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे आप एक घर बताऊंगा मैं आपको, ये वाला यहाँ पे घर बना हुआ है, हाउस कंस्ट्रक्शन हुआ है। बनी रही इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे इस घर में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए रोड कौन से है, कितनी हाइट पे है और घर का फेस कितना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये लेवल पे रोड है और घर का जो फेस है ये लेवल पे है, नीचे एकदम। तो रोड का किस तरह से, इस तरह से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ऊपर रोड आ रहा है तो घर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, जो भी पानी आएगा रोड का, रेन वाटर जो भी आएगा बारिश का, वो डायरेक्टली पानी कहाँ जाएगा, घर के पास आएगा। तो एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे एक वॉल दिया है, यहाँ पे अगर ये वॉल को नहीं देते तो डायरेक्टली पूरा जितना भी पानी रहेगा वॉल का पूरा रूम में जाएगा। तो सिंपली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बोले तो, यहाँ पर जो हाउस प्लानिंग किया गया है, जो बेसमेंट लिया गया है, हाइट पे लेना चाहिए था। हाइट पे मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हाइट है, एक 4 फीट हाइट है। ये हाइट पे अगर बेसमेंट लेते तो बहुत बेटर होता था। ये हाइट पे जो मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये हाइट पे अगर लेते थे, ये हाइट के ऊपर अगर बेसमेंट लेते तो बहुत बेटर हो सकता था, अच्छा हो सकता था। रेन वाटर के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, रेन वाटर के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप हाइट कितना है, किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे हाइट पे करेंगे तो बारिश का पानी क्या है वो घर में नहीं जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वॉल लेने की वजह से प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये दीवार यहाँ पे नहीं लेंगे तो जितना भी रेन वाटर रहेगा डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली घर में जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फाइबर के शीट भी लगाए हैं और यहाँ पे अगर वो वॉल नहीं रहेगा तो डायरेक्टली वाटर जो भी रहेगा, रोड का जो पानी रहेगा, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, रूम्स में जाएगा, रूम के अंदर जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, बनी रहिए। यहाँ पर भी हाइट बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं रोड पर ही चल के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कितना हाइट है, ये रोड है, ये रोड से कितना हाइट है देख सकते हैं आप, नीचे डिप थे, इतना डीप है यहाँ पे रोड से, इतना डीप हो रहा है यहाँ पे तकरीबन। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नियरर 5 फीट मिल जाएगा, 5 फीट आपको मिल जाएगा, 5 फीट वो टोटल बोले तो आपको मिल जाएगा लगभग, ये आपको मिल जाएगा 8 फीट। तो आप यहाँ से 8 फीट हाइट पर लेके आप बनाएंगे तो बेसमेंट बेटर रहेगा और जो भी पानी वगैरह रहेगा नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप कितने नीचे है, वो रोड देख लीजिए आप, रोड देख लीजिए और वो घर का बेसमेंट देख लीजिए कितने नीचे है। तो वाटर जो भी रहेगा ना, स्लोप इस तरह से आके पूरा कहाँ जाएगा, पूरा जाएगा घर में चला जाएगा, रूम्स में चला जाएगा। तो वहाँ पर ना वॉल लिया है, मैं जूम कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर देखो वॉल लिया है वहाँ पर। अगर वो वॉल नहीं रहेगा तो पूरा घर में जाएगा। आप इस तरह की गलती मत कीजिए, जब भी आप हाईवे पे घर बनाएंगे तो 7 से 8 फीट या होगा तो भी चलेगा, 10 फीट रहेगा तो भी चलेगा। हाइट जो भी लेवल रहेगा इसके ऊपर लीजिए, मतलब रोड लेवल
रोड लेवल से ऊपर रहना चाहिए घर, जो भी रूम्स आपके रहेंगे ना, रूम्स वगैरह रहेंगे, रोड लेवल से हाइट पे रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। नीचे रहेंगे तो बारिश का पानी प्रेशर से पूरा रूम्स में आ सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ये है रोड लेवल और ये है घर का यहाँ पे लेवल। ये नीचे है बहुत ही हाइट पे है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये रोड है। यहाँ पे बहुत नीचे डीप है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत डीप है, वहाँ पे भी देख लेंगे आप। बता रहा हूँ मैं आपको, रोड भी बता दूँगा, डिफरेंस भी देख लेंगे कितना डिफरेंस है, कितना डीप है, 10 फीट कुछ डिफरेंस है। और इसको आप अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं, अंडरग्राउंड जहाँ पे ज़्यादा आपको 10 फीट मिल रहा है वहाँ पे 15 फीट मिल रहा है, अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं। बेटर क्या रहेगा, अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, एंड अंडरग्राउंड आप करेंगे तो पार्किंग रखना नीचे, रूम्स नहीं रखना। पार्किंग रखेंगे तो कुछ पानी आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। रूम्स आप बनाते हैं, स्पेशली रूम्स बनाते हैं तो वहाँ पे आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, अंडरग्राउंड नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ख्याल ये करना है कि वहाँ पे आपको हाइट पे बनाना है, 7 से 8 फीट आपको हाईवे रोड पे हाइट पे बनाना है। तो आज की वीडियो कैसी थी बताइए ज़रूर, अगर समझ में आई है तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ डॉट है कुछ इस वीडियो में तो कमेंट कर सकते हैं, न्यू वीडियोस के लिए कमेंट कर दीजिए। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेफ, बाय बाय।